नमस्कार, स्वागत है आपका सतहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की पांच बड़ी खबरों का विश्लेषण। और इसके पहले कि ये प्रोग्राम शुरू करूं, एक छोटी सी दरख्वास्त आपसे कि आज के समय में स्वतंत्र पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें जहां पर आप हमें भुगतान कर सकते हैं और सत्य हिंदी की सदस्यता ले सकते हैं। इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें भी आपका समर्थन मिलेगा। और गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी आ गया है, उसे जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सुनिए सच की, क्योंकि आपको जानना चाहिए सच। लेकिन नजर डाल देते हैं आज की सुर्खियों पर। अनिल देशमुख को लेकर महाराष्ट्र में बवाल, शरद पवार और बीजेपी आमने सामने। महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे परमवीर सिंह। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच शांति बहाली कराने में लगा है यूएई। एक साल बाद फिर तेजी से फैल रहा है कोरोना। लगातार विवादित बयान दे रहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अब खुद हुए कोरोना संक्रमित। तो चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, और वो खबर आ रही है महाराष्ट्र की राजनीति में, जहां बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भूचाल आ चुका है। खासकर उस समय से जब से मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी थी, और उस चिट्ठी में ये कहा था कि जो गृह मंत्री है महाराष्ट्र के, यानी कि अनिल देशमुख, वो एक एक्सटॉर्शन रैकेट चलाते हैं और उन्होंने कोई बिना चेन ऑफ कमांड फॉलो किए, उन्होंने सचिन वाजे और कुछ अफसरों को ये बोला कि हर महीने 100 करोड़ रुपए बार्स और होटल से, यानी कि पब से इसकी उगाही की जाए। जब से ये लेटर पब्लिक डोमेन में आया है तब से लेकर बार बार अनिल देशमुख के इस्तीफे को लेकर विपक्ष काफी हमला बोल रहा है। लेकिन आज जो सोमवार का दिन था वो बहुत ही नाटकीय घटनाक्रमों से भरा हुआ था। शरद पवार जो एनसीपी के प्रमुख हैं, आज उन्होंने फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया दिल्ली में, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि जो भी आरोप अनिल देशमुख के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने सचिन वाजे से मुलाकात की थी, तो उन्होंने ये कहा कि अनिल देशमुख 5 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक अस्पताल में भर्ती थे क्योंकि उनको कोरोना हुआ था, इसलिए सचिन वाजे से मिलने का सवाल पैदा ही नहीं होता। अब आपको बता दें कि आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक एक दिन बाद की, जब कल खुद एक बैठक में शरद पवार ने ये कहा था कि जो अनिल देशमुख के खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो बहुत गंभीर हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। तो सबने ये अटकलें लगाई कि शायद अनिल देशमुख को लेकर उनको शायद गृहमंत्री के पद से हटाया जाएगा, लेकिन आज शरद पवार ऐसा लग रहा था कि गृहमंत्री को बचाने में लग गए हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पूरे दस्तावेज के साथ सामने आए थे। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे पास हॉस्पिटल के पेपर्स हैं जो कि ये शो करते हैं कि 5 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक अनिल देशमुख कोरोना संक्रमित थे, वो नागपुर के अस्पताल में भर्ती थे, और साथ में 16 से 27 फरवरी तक वो होम आइसोलेशन में थे, इसलिए उनका सचिन वाजे से मिलना बिल्कुल बेबुनियाद है। ये बात शरद पवार ने कही, और उन्होंने कहा कि ये जो सारी सूचना है इसके बारे में वो उद्धव ठाकरे को देंगे, और ये अब उद्धव ठाकरे का काम है कि वो उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करें। और क्योंकि बार बार विपक्ष अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग कर रहा था, तो उस चीज को उन्होंने काउंटर करते हुए आज कहा कि अनिल देशमुख रिजाइन नहीं करेंगे और उनको शरद पवार बचाने में लग गए हैं। लेकिन ये नाटकी इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे शरद पवार, उसी समय बीजेपी की आईटी सेल के जो हेड है अमित मालविया, उन्होंने ट्वीट किया। और क्या ट्वीट किया? उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें कि 15 फरवरी की को अनिल देशमुख एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये देखिए, ये 15 फरवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और जिससे कि अनिल देशमुख झूठे साबित होते हैं और जो शरद पवार का दावा है वो भी झूठा साबित होता है, उन्होंने एक ट्वीट में लिखा। तो इसको लेकर बीजेपी और शरद पवार बिल्कुल आमने सामने इस समय आ गए हैं, और बार बार आज संसद में भी इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। तमाम जो बीजेपी के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, जैसे प्रकाश जावड़ेकर, पूनम महाजन और भी बहुत सारे लोग, इन्होंने काफी देर तक सदन में हंगामा मचाया, उनके इस्तीफे की मांग की, और बार इसको लेकर बल्कि सदन की जो कार्रवाई थी वो 2 बजे तक स्थगित भी रही।
लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट है वो शिवसेना की तरफ से आया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के एक संपादकीय में ये लिखा है कि जिस परमवीर सिंह को लेकर बीजेपी उसे हटाने की मांग कर रही थी और बार बार ये कह रही थी कि परमवीर सिंह के जो काम करने का स्टाइल है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो जब से परमवीर सिंह का ये जो लेटर है पब्लिक डोमेन में आया है उनको बीजेपी ऐसा लग रहा है कि कंधे पे उठाकर नाचने की कोशिश कर रही है। साथ में उन्होंने ये भी लिखा है कि ये जो पूरी एक साजिश के तहत ऐसा लग रहा है काम किया जा रहा है ताकि ये बताया जा सके कि वहां की जो महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो खराब है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने के बुनियाद वहां पर बनाई जा रही है। और लेकिन साथ में एक चेतावनी के रूप में उसमें इस मुखपत्र सामना में ये बात लिखी गई है कि जो महाराष्ट्र की सरकार है वो बहुमत में है और बहुमत पर हावी नहीं होना चाहिए। अगर बहुमत में कोई पर कोई हावी होगा तो फिर इससे आग ही लगेगी। और जो लास्ट लाइन में ये लिखा है कि किसी भी एक अफसर की वजह से सरकारें बनती या गिरती नहीं है, यानी कि एक खुली चेतावनी शिवसेना ने बीजेपी को दी है, क्योंकि बार बार इसको लेकर एलिगेशंस लेवल किए जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से कहा था तो उसको लेकर शिवसेना ये कह रही है कि ये एक पूरी साजिश है। और कैसे, क्योंकि दो दिन पहले ही देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो अमित शाह को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने आए थे, उसके ठीक दो दिन बाद परमवीर सिंह एक चिट्ठी लिखते हैं उद्धव ठाकरे को और वो फिर उसको मीडिया में और उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। तो उन्होंने बताया है कि ये पूरी तरह से एक साजिश है। तो कुल मिलाकर इस एपिसोड से महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो बहुत गर्म हो गई है। एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या उद्धव ठाकरे की सरकार बचेगी या नहीं बचेगी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से किसी न किसी बिना पर राष्ट्रपति शासन लगे। और जो एक बहुत संगीन चीज है कि जो पुलिस पॉलिटिक्स और जो पेट्रनेज की का जो पूरा एक घालमेल है कि किस तरह से पुलिस राजनीति और किस तरीके से जो आपको फेवर्स मिलते हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर से, तो ये उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। और परमवीर सिंह को हटाकर उनको डीजीपी होमगार्ड्स बना दिया गया है, लेकिन ये बिल्कुल साफ नजर आता है क्योंकि ये वही परमवीर सिंह थे जो कि अभी तक शिवसेना की नजर में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। सुशांत राजपूत के केस को उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया, कंगना रनौत के केस को लेकर उन्होंने बहुत अच्छा हैंडल किया, लेकिन जब सचिन वाजे का जब मामला आया, खासकर जो एंटीलिया विस्फोट केस में, तो उनकी जो छवि थी वहां पर ऐसा लग रहा था कि तार तार हो गई है और उसको लेकर एकदम से अचानक से ये पॉलिटिक्स शुरू हो गई। और जब उन्होंने ये चिट्ठी लिखी कि किस तरीके से अनिल देशमुख एक एक्सट्रॉशन रैकेट चलाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ चुनिंदा अफसरों से और जो लाइन ऑफ कमांड है वो नहीं मानते हैं, वो डायरेक्टली इंटरफियर कर रहे हैं, ये तमाम आरोपों के बाद अब एक बार फिर से ये चीजें सामने आ गई हैं कि राजनीति और पुलिस का जो घालमेल है किस तरीके से एक चोली दामन का साथ है और उसमें कैसे लोगों को प्यादा बनाया जाता है उसको पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट को, तो ये सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की जो सरकार है उसको क्या बीजेपी डिस्टेबलाइज करने में कामयाब रहेगी, क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लगेगा और ये जो पूरी राजनीति है इसका नेशनल पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा और पूरे पुलिस महकमे पर, क्योंकि आज कहीं ना कहीं पुलिस की छवि को लेकर भी काफी महाराष्ट्र का जो गृह मंत्रालय है अगर उसकी छवि तार तार हुई है तो कहीं ना कहीं आज पुलिस की जो छवि है वो भी खराब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पुलिस भी एक गिरोह की तरह काम करता है जो कि पैसे की उगाही में लगा हुआ है। अगर अनिल देशमुख के बारे में ये कहा गया है कि वो 100 करोड़ का एक एक्सट्रॉशन रैकेट कहते थे कि वो 100 करोड़ रुपए पब्स और रेस्टोरेंट से पुलिस वाले लेकर आए, तो आज सवाल ये उठता है कि कोई नई बात नहीं है, इसके पहले भी बहुत बार ये बातें सामने आ गई है, लेकिन पब्लिक डोमेन में और वो भी एक पुलिस कमिश्नर रैंक का अगर एक ऑफिसर लिखता है तो ये काफी संगीन आरोप है और इसमें पुलिस को भी एक गहन मंथन करना पड़ेगा कि ये इस तरीके की चीजों से पुलिस की छवि ना खराब हो, तो इसको लेकर भी काफी सोचना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो पूरी तरह से गर्मा चुकी है। आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। हमारी अगली खबर भी
महाराष्ट्र के जो पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं परमबीर सिंह को लेकर है। जी हाँ, आज उन्होंने जब गंभीर आरोप लगाए गृहमंत्री अनिल देशमुख के ऊपर कि वो किस तरीके से उन्होंने एक्सट्रॉशन रैकेट चलाया हुआ था, तो अब आज वो एक याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उस याचिका में, यानी कि जो उन्होंने अर्जी लगाई है, उसमें उन्होंने अपने ट्रांसफर को चुनौती दिया है। आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर की पोस्ट पद से उनको हटाकर अब डीजी होमगार्ड्स कर दिया गया है, तो उस ट्रांसफर को लेकर उन्होंने चुनौती दी है अपनी याचिका में। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो अनिल देशमुख पर जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच सीबीआई या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करे। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि देशमुख के घर के बाहर जो सीसीटीवी फुटेज लगा है उसकी भी जांच हो और उसको बचाकर रखा जाए इसके पहले कि उसके सबूत मिटा दिए जाए। अब जो बार बार परमवीर सिंह का जो जिन्हें जो दावा किया था कि देशमुख चाहते थे कि सचिन बाजे उनको हर महीने 100 करोड़ रुपए होटल्स और बार से दें, तो उससे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब राजनीति में महाराष्ट्र के भूचाल आ चुका है। और साथ में उन्होंने याचिका में एक चीज और कही है जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेगी कि जो अनिल देशमुख समय समय पर जितनी भी जो जांच की प्रक्रिया होती थी यानी कि इन्वेस्टिगेशंस में इंटरफेयर करते थे और ऑफिसर्स को डायरेक्टली चीजें बताते थे जबकि ये चीजें पुलिस कमिश्नर को कहनी चाहिए थी। और उन्होंने ये भी कहा है कि अनिल देशमुख उन चुनिंदा अफसरों को लाइन ऑफ जो चेन ऑफ कमांड था उसको तोड़कर और डायरेक्टली ऑर्डर्स देते थे ताकि एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत काम किया जाए। इस बात का मेंशन परमवीर सिंह ने इस याचिका में किया है। और अब आज जब शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने जो पूरी परमवीर सिंह की जो मंशा है जिससे उन्होंने चिट्ठी लिखी और किस तरीके से बातें सामने आई हैं उस पर भी आज सवाल खड़े किए गए हैं। लेकिन साथ में उस याचिका में एक बात और मेंशन है कि सचिन बाजे से तो अनिल देशमुख ने कहा ही था, साथ में एक और मीटिंग का भी जिक्र किया है और वो मीटिंग है मार्च 4 की, जब उन्होंने कुछ और ऑफिसर से कुछ यही बातें कही थी कि किस तरीके से 100 करोड़ की जो उगाही है वो पब्स और रेस्टोरेंट से की जाए। और साथ में उस याचिका में परमवीर सिंह ने भी कहा है कि ये जो ट्रांसफर ऑर्डर है उसको कैंसिल किया जाए और जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो ये डिसीजन था ये बिल्कुल इलीगल था, आर्बिट्ररी था और उल्लंघन है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का। और साथ में उन्होंने याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ कोई कोअर्सिव एक्शन ना लिया जाए, यानी कि कोई ऐसा दंडनीय एक्शन उनके खिलाफ ना लिया जाए। तो ये सारी बातें उस याचिका में परमवीर सिंह ने लिखी हैं। और इससे अब परमवीर सिंह ने तो एक पूरा एक नया फ्रंट खोल दिया है और ये वही परमवीर सिंह है जब उन्होंने अर्णब गोस्वामी के केस की जांच शुरू की थी या टीआरपी के केस की जब जांच शुरू की थी तो बीजेपी उनको उनकी बहुत आलोचना करती थी, लेकिन आज जिस तरीके की राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अब उसी परमवीर सिंह को अपने आंखों पर बैठाकर रखना चाहती है। तो आज सवाल ये उठता है कि क्या परमवीर सिंह अब एक महाराष्ट्र का नया प्यादा बन के उभरेंगे, किस तरीके से टैकल करेगी उद्धव ठाकरे की सरकार ये जो क्राइसिस पूरी आई है। किस तरीके से हमने देखा कि एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, टीआरपी केस आया, सुशांत सिंह राजपूत का केस आया, फिर एंटीलिया विस्फोटक केस के बारे में चीजों का खुलासा हुआ, हिरेन मनसुख की हत्या या आत्महत्या का केस है जिसकी अभी जांच चल रही है, एनआईए के हाथ में पूरा ये केस आ चुका है। तो अलग अलग केसेस को डेवलप किया गया है, बनाया गया है, किस तरीके से जो महाराष्ट्र की सरकार है उसको एक बैड लाइट में दिखाने की कोशिश की गई है। और बार बार जो ये ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि नए नए प्यादे तैयार किए जा रहे हैं, तो उसी श्रृंखला में अब परमवीर सिंह एक नया प्यादा बनकर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, और क्या एक अफसर जो परमवीर सिंह जैसा अफसर है क्या वो महाराष्ट्र की सरकार, क्या उसके बल पर क्या बीजेपी महाराष्ट्र की सरकार गिरा पाएगी या नहीं गिरा पाएगी, ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो इस समय काफी रोचक हो चुकी है। इस पर आपका फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। आइए आगे चलते हैं, आइए बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्तों की। ये दोनों देशों के बीच अगर आप रिश्ता देखें तो पिछले 2 सालों से ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ब्रेक लग चुका था। जब पुलवामा का हादसा हुआ उसके बाद जब आर्टिकल 370 को कश्मीर से हटाया गया तो बिल्कुल बर्फ की एक काफी मोटी परत दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उसके ऊपर पड़ चुकी थी, लेकिन हाल में ऐसा लगा कि शायद वो बर्फ अब थोड़ा पिघलने लगी है। और हमने आपको बताया कि किस तरीके से इंडियन एयर स्पेस को
खोला गया था इमरान खान के स्पेशल एयरक्राफ्ट को लेकर। अभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है जिसमें कि इमरान खान को जल्दी ठीक होने के लिए विशेष भेजी हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं कमर जावेद बाजवा, उन्होंने कहा था कि जो पिछले कुछ महीनों में या सालों में हमने देखा है तो वो जो सारी जो डिफरेंसेस हैं उनको हमें बेरी करना चाहिए और अब हमें रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए, इन सारी बातों को कहा गया था। तो इससे ऐसा लग रहा था कि ये दोनों देशों के बीच अब रिश्ते सुधर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता था कि जब कोई दोनों देशों के बीच बातचीत नहीं हुई तो अचानक से ये बर्फ कैसे पिघलने लगी। अब आज ब्लूमबर्ग में एक छपी रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चल रहा है कि इन दोनों देशों को करीब लाने में UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक बहुत बड़ा हाथ है। उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि पिछले महीने जब भारत और पाकिस्तान के जो मिलिट्री चीफ हैं उन्होंने जब एक जॉइंट कमिटमेंट किया कि वो जो 2003 का सीज फायर है उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, तो पूरे विश्व को एक आश्चर्य हुआ कि ये चीजें कैसे हो गई। और उसी समय उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि यूएई के एक डिप्लोमैट भारत के दौरे पर आए थे एक दिन के लिए, और जो ऑफिशियल यूएई का एक रीड आउट है उसके मुताबिक, उसमें किसी ऑफिसर के बारे में मेंशन नहीं है, लेकिन उसमें ये लिखा गया है कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यूएई के यानी कि अब्दुल्ला बिन जायद, उन्होंने एस जयशंकर से बातचीत की और उसमें रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज को टैकल करने की बात तो कही थी, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे जो एक्चुअल बातचीत थी वो वही थी कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते सुधरे। तो उसमें सीज फायर पहला स्टेप था। इसी रिपोर्ट में लिखा गया कि सीज फायर इज द बिगिनिंग ऑफ दैट फर्स्ट स्टेप। तो सीज फायर पहला था और उसके बाद ये कहा गया है कि जो अब आगे के जो स्टेप्स हैं उसमें पहले ये होगा कि जो दोनों देशों के जो हाई कमिश्नर्स हैं यानी कि एनवॉयज हैं उनको रीइंस्टेट किया जाएगा दिल्ली में और इस्लामाबाद में। उसके बाद व्यापार पर बातचीत होगी और उसके बाद जो कश्मीर का मुद्दा है उसको लेकर भी बातचीत होगी। लेकिन आपको बता दें कि इसमें यूएई का तो बहुत एक बड़ा हाथ है ही, साथ में आपको याद होगा कि जो अमेरिका के अभी नए चुने हुए राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने भी कहा था कि जो अफगानिस्तान में जो पीस टॉक्स हैं उसको और वाइड किया जाए, यानी कि उसका जो दायरा है वो ज्यादा बड़ा किया जाए। तो अगर अफगानिस्तान में हम शांति वार्ता की हम बात करते हैं तो वो बिना पाकिस्तान और भारत के संभव नहीं है। तो एक तरफ जो बाइडेन ने ये बात कही थी और उसके बाद यूएई की एक बड़ी भूमिका इसमें नजर आ रही है, और उसका कुछ कारण है कि यूएई का अगर आप देखें तो यूएई के लिए भारत और पाकिस्तान उतने ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उनसे एक ऐतिहासिक लिंक जुड़ा हुआ है, उससे एक अगर आपको बताएं तो व्यापार का लिंक जुड़ा हुआ है। तो अगर भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध अच्छे होते हैं तो वो पूरे साउथ एशिया के लिए तो अच्छा होता ही है, लेकिन साथ में यूएई के लिए भी एक बड़ा कदम होगा। और इस समय यूएई जो अगर एशियन पीस टॉक्स की अगर हम बात करें तो वो एक बड़ी भूमिका में नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर जो दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो जरूर सुधर रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि हो सकता है, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं किया है और इस बातचीत के जो विटनेसेस थे उन्होंने भी अपने नाम को डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा है कि अभी जो इमीडिएट स्टेप होगा सीज फायर के उल्लंघन की बात ना हो तो उसको लेकर तो अनाउंसमेंट हो ही चुका है, लेकिन अब अगला स्टेप ये हो सकता है कि किस तरीके से दोनों देशों के जो एनवॉयज हैं न्यू दिल्ली में और इस्लामाबाद में उनको रीइंस्टेट किया जाए, और फिर पंजाब के बॉर्डर से होता हुआ जो व्यापार होता है पाकिस्तान और भारत के बीच में उसकी बहाली की जाए। लेकिन सबकी आंखें गड़ी हुई है कि कश्मीर के मुद्दे को ये दोनों देश कैसे उठाएंगे, क्या उसको लेकर समन्वय बन पाएगा, क्योंकि जहां तक व्यापार की बात है कोरोना की महामारी के बाद जिस तरीके की भुखमरी और जिस तरीके की GDP में गिरावट सब देशों में आई है तो जाहिर सी बात है कि व्यापार को बहाल करने की पहल दोनों देश करेंगे। और किसी न किसी तरीके से हमने देखा था किस तरीके से भारत ने अभी करोड़ों वैक्सीन पाकिस्तान को भेजी थी, हालांकि वो एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट के मुताबिक था, लेकिन उस भारत की मदद से पाकिस्तान को इसमें काफी फायदा हुआ है। लेकिन सबसे जो टफेस्ट क्वेश्चन है वो कश्मीर को लेकर ही है कि कश्मीर को लेकर, क्योंकि वो एक तरीके से बोन ऑफ कंटेंशन है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और उसको लेकर क्या दोनों देशों के बीच कोई एक कंसेंसस बन पाता है या नहीं बन पाता, और अगर बनता है तो वो किस तरीके का कंसेंसस होगा, ये थोड़ा सा एक मुश्किल सवाल है। लेकिन फिलहाल
जो दोनों देशों के बीच जो संबंध पर जो बर्फ पड़ी थी वो थोड़ा सा पिघलनी शुरू हुई है। इस पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। आइए आगे चलते हैं। आज 22 मार्च है और अगर आपको याद हो कि 2020 में 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था और कहा था कि लोग अपने छत से और बालकनी से ताली बजाएं, थाली बजाएं, उस तरीके की बातें की कही गई थी और कहा गया था कि कोरोना को हटाया जाए। तो तब से लेकर आज तक अगर आप देखें तो क्या चीजें बदली हैं। इन्फेक्शन जो ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ हफ्तों पहले बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब धीरे धीरे कम हो रहा है, तो वो इन्फेक्शन एक बार फिर से अब धीरे धीरे करके फिर से बढ़ रहा है। अब आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में करीब 47,000 नए इन्फेक्शन के मामले आए हैं और पिछले 24 घंटे में 213 मौतें हुई हैं और 12 दिन का ये स्ट्रेट अगर आप कहें तो सबसे ज्यादा एक उछाल देखी गई है इन्फेक्शन में, जो कि ऑलमोस्ट 47,000 केसेस टच कर रहा है। तो ये जो शार्पेस्ट सर्ज देखी गई है इसके अब क्या कारण है, लेकिन इस कारण को लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि लोगों ने घुलना मिलना शुरू कर दिया है, मॉल्स जाना शुरू कर दिया है, जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, जो एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात की जाती है उसको लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, मास डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो वो राज्य हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं, आप देखिए भारी भीड़ वहां पर लोगों की इकट्ठे हो रही है, लेकिन वहां पर कोरोना का संक्रमण बिल्कुल ऐसा लगता है कि नजर ही नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं वो वाकई में एक चिंता का विषय जरूर है। हम ये सोचकर खुश नहीं हो सकते कि 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका है, लेकिन वैक्सीन लगने के बावजूद अगर फिर से कोरोना के जो केसेस हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही है तो कहीं ना कहीं सेल्फ डिसिप्लिन में ये कमी जरूर नजर आ रही है। अब आपको बता दें कि वायरस का कोई कैलेंडर नहीं होता है, वायरस ये देखकर नहीं आता कि इस समय उछाल होना चाहिए केसेस में या नहीं उछाल होना चाहिए, लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती है वो मास्क के डिसिप्लिन की है कि क्या हम मास्क पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे हैं, क्या हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं, क्या हम सोशल गैदरिंग्स में बिल्कुल बेहिचक जा रहे हैं जहां पर हमें नहीं जाना चाहिए। अब देख लीजिए तमाम आपके सामने केसेस हैं, चुनाव के राज्य आप देख लीजिए, रैलीज में कोई कमी नहीं है, हरिद्वार में कुंभ को लेकर आप देख लीजिए किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, वहां पर रोज 20 से 25 केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन इसको लेकर ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ बोल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था ऑलरेडी बहुत चरमराई हुई है और लॉकडाउन का जो ऑप्शन है वो सरकार सोच नहीं पा रही है। हालांकि बहुत सारे राज्य हैं जहां पर रिस्ट्रिक्शंस शुरू हो गए हैं, नाइट कर्फ्यूज की बात की गई है, नागपुर में तो लॉकडाउन लगाई दिया गया, और उसके बाद तमिलनाडु में स्कूल्स बंद हो गए हैं, उसी तरह से राजस्थान में केसेस सामने आ रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार फिर से लॉकडाउन ला सकती है या नहीं ला सकती, लेकिन जैसा मैंने कहा था कि अगर कोरोना के संक्रमण को कम करना है तो एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमें फॉलो करना पड़ेगा। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा, मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की, जो कि अभी सुर्खियों में बने थे अपने फटी जीन्स के कमेंट को लेकर, और विवादित बयान उन्होंने एक के बाद एक दिए हैं। पहले उन्होंने कहा कि जो महिलाएं फटी जीन्स पहनती हैं वो अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकती, जो महिलाएं एनजीओ में काम करती हैं वो फटी जीन्स क्यों पहनती हैं, तो ये तमाम तरीके के सवाल उन्होंने खड़े किए थे। उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि उनको किस तरीके के अनाप शनाप बयानों से कोई सबक सीखने को नहीं मिला। उसके बाद उनके दो और विवादित बयान आए हैं और उनमें से एक ये है कि उन्होंने ब्रिटेन की जगह ये बताया कि भारत अमेरिका का अधीन था 200 सालों तक। एक रामनगर में एक फंक्शन था जहां पर वो ये स्पीच दे रहे थे और उस स्पीच में उन्होंने कहा कि अमेरिका एनस्लेव्ड इंडिया फॉर 200 ईयर्स। तो उन्होंने वो शायद बोलना चाह रहे होंगे ब्रिटेन की बात करना चाह रहे होंगे, लेकिन वो बोल गए अमेरिका के बारे में और इसको लेकर उनकी काफी हंसी हसारत हुई है और तमाम सोशल मीडिया पर ये वाला जो वीडियो था ये वायरल हुआ। यहाँ तक कि जो रणदीप सिंह सुरजेवाला है उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरीके के टैलेंटेड लोगों को चुनते हैं, तो काफी बीजेपी की इस पर हंसी उड़ी है। फिर एक और उन्होंने कॉमेंट किया उसी स्पीच में और उन्होंने कहा कि देखिये जो कोरोना की जो महामारी है उसको टैकल करने में किस तरीके से भारत ने लोगों को राशन पानी दिया, और उन्होंने साथ में फिर एक बहुत ही असंवेदनशील कमेंट किया, उन्होंने कहा कि जिन घरों में 2 बच्चे होते हैं तो उनको 10 किलो चावल मिलता है, जिनके घर में 20 लोग हैं उनको 1 क्विंटल चावल मिलता है। तो
आपको किसने कहा था कि सिर्फ दो बच्चे पैदा करिए, आपके पास समय था तो आप और बच्चे पैदा कर लेते, तो इस तरीके के कमेंट। हालांकि उनकी जो मन, जो उनका जो इंटेंशन था वो इस बात को लेकर था कि देखिए अमेरिका ने भी इतना प्रोग्रेस नहीं किया जिस तरीके से भारत ने कोविड को टैकल किया है, जहां तक किस तरीके से गरीबों को राशन पानी दिया गया। लेकिन बोलते बोलते वो इतने असंवेदनशील कमेंट्स बोल गए जिसका एक वीडियो बनाकर और लोगों ने वायरल कर दिया, जिससे कि वो ये साबित हुआ कि वो इस तरीके के अनाप शनाप कमेंट्स करते रहते हैं। तो और अब जब खबर आ रही है कि उन्होंने एक नहीं इतने सारे विवादित बयान देने के बाद अब वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जी हाँ, आज वो ही टेस्टेड पॉजिटिव, और उसके बाद उनकी और भी हंसी उड़ रही है कि देखिए आप अपने जो विवादित बयानों को बोलने से बाज नहीं आ रहे थे और अब आपको कोरोना हो गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस कोरोना के आइसोलेशन पीरियड में क्या तीरथ सिंह रावत इस बात का गहन मंथन करेंगे या नहीं करेंगे कि वो किस तरीके से पब्लिक फोरम्स पर बयान दें, ऐसा कोई बयान ना दें जहां पर लोगों की जो भावना है वो आहत होती है, खासकर महिलाएं। फिर उसके बाद वो जो गरीब परिवार जिनके राशन के बारे में बोल रहे थे, क्योंकि कोई भी पब्लिक नेता कोई या कोई भी पब्लिक फिगर अगर वो इस तरीके की बातें करेगा कि आपको किसने कहा था कि आप दो बच्चे पैदा करिए, क्योंकि जो जिन घरों में ज्यादा बच्चे हैं उनको राशन ज्यादा मिला था, तो ये बहुत ही इनसेंसिटिव और उनकी इग्नोरेंस को भी कहीं ना कहीं शो करता है। तो इस तरीके के कमेंट्स पब्लिक फोरम पर करना बहुत ही भत्सनापूर्ण है और साथ में उनकी हंसी हजारत भी होती है। तो अब देखना ये होगा कि जब आइसोलेशन पीरियड से बाहर आते हैं तो क्या तीरथ सिंह रावत कोई सबक सीख पाते हैं या नहीं सीख पाते। सुनिए सच की पांच खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।